और देखते ही देखते आ गया इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट या फिर चेक पोस्ट। एंटर करने वाले हम लोग महाराष्ट्र। यहाँ खाने का ढक्कन खुल चुका है तो सारा सामान जा चुका है कार में और अब बैठते हैं और निकलते हैं। काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज चुके हैं। रास्ता जो है वो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा विच इज़ टूवर्ड्स नासिक। स्ट्रेट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये कहाँ जा रहा है रास्ता। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फॉर अहमदाबाद और रास्ते में पड़ने वाला है नासिक जो कि आज का डेस्टिनेशन होने वाला है और कल हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये है ओवरऑल प्लान। सारा जो सामान है वो पैक होके यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको बस गाड़ी में डालना है, बैठना है और निकलना है। और अब बज रहे हैं 10, सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो लेट तो बहुत हो चुका है पर कोई बात नहीं, निकलते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स नासिक। तो सारा सामान जा चुका है कार में और अब बैठते हैं और निकलते हैं। काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज चुके हैं। सो हियर वी गो। ऑलराइट, सो वी आर ऑन द मुंबई हाईवे फ्रॉम हैदराबाद और संगारेड्डी पीछे निकल चुका है और हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स सोलापुर। सोलापुर से एक राइट टर्न आता है, उसके पहले ही शायद आएगा और उसके बाद हम लोग टुवर्ड्स औरंगाबाद टर्न हो जाएंगे क्योंकि हमें जाना है नासिक, पुणे नहीं जाना है। बट सोलापुर तक जो रोड है वो कॉमन रहेगा। काफ़ी ट्रैफिक था सिटी के एग्जिट में, नाउ वी आर पास दैट एंड इट्स डिसेंट राइट नाउ। वेदर भी ठीक ठाक है बिकॉज इट्स विंटर, एयर कंडीशनिंग वैसे तो ऑन है बट इट्स डिसेंटली कम्फर्टेबल राइट नाउ। तो पीछे निकल गया बासव कल्याण एंड वी आर स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स सोलापुर। द ETA सेज 10:50 PM इन द नाइट और अब टाइम हो रहा है 1:06, इट्स 1:06 PM। वी आर इन कर्नाटका एंड येट टू एंटर महाराष्ट्र। ब्यूटिफुल रोड अहेड और घर से निकल के कुछ 192 किलोमीटर्स हो चुके हैं। काफ़ी स्मूथ रास्ता रहा है अब तक का, तो ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और बस अब वेट कर रहा हूँ कब महाराष्ट्र हम एंटर कर जाएंगे और महाराष्ट्र एंटर करने के बाद सोलापुर से थोड़ा पहले ही राइट टर्न हमें लेना है टुवर्ड्स नासिक। और देखते ही देखते आ गया इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट या फिर चेक पोस्ट। एंटर करने वाले हम लोग महाराष्ट्र। यहाँ खाने का ढक्कन खुल चुका है सो विल हैव आवर लंच ऑन द गो। दुर्ग से पहले जो ये वाले स्ट्रेचेज हैं ये आज तक नहीं बने का हालत देखिए। ये WIP रहता है, साल भर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क कुछ होता नहीं है, रास्ते टूटे फूटे रहते हैं। फैसिनेटिंग लगता है नलदुर्ग फोर्ट। इसके बाद वहाँ पे लोग भी है उसके ऊपर, फोर्ट के ऊपर। इसके बाद दो तरफ से दो पहाड़ आता है ना, जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता है इस स्ट्रेच का, यहाँ पे ग्रीनरी आती है। ऑलराइट, तो वो टर्न आ चुका है, अब मैं राइट लूंगा। हमने जस्ट नलदुर्ग क्रॉस किया है और रास्ता स्ट्रेट जो है सोलापुर जा रहा है और हमको लेना है यहाँ से राइट। ये हमें ले जाएगा टुवर्ड्स औरंगाबाद। सो राइट नाउ वी आर ऑन दी नेशनल हाईवे 361। ये जो नेशनल हाईवे 361 है ये आगे चल के हमको औरंगाबाद का जो मेन हाईवे है, आई थिंक दैट इज़ 150, मैं कन्फर्म करता हूँ, उस पर मिलाएगा विच इज़ एक्चुअली अ सुपर एक्सप्रेस हाईवे। सो रोड कंडीशंस विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड बट ये 27 किलोमीटर स्टिल तुर्जापुर थोड़ा सा ख़राब रहने वाला है
which is National Highway 361. All right, तो आ गया है वो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था. अब तक मुझे हाईवे का नंबर तो नहीं दिखा है, बट बेसिकली ये उस्मानाबाद औरंगाबाद इन सबको कनेक्ट करता है. आपको दिख रहा होगा सामने ऊपर से जा रहा है, लेफ्ट साइड में सोलापुर लिखा हुआ है और आगे औरंगाबाद और बीड लिखा हुआ है. सो जल्दी से चढ़ते हैं इस हाईवे पे और जर्नी कंटिन्यू करते हैं. सो ये नेशनल हाईवे का नंबर है NH 52 एंड दिस कनेक्ट्स सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, ऑल ऑफ दिस प्लेसेस. शुड बी अ गुड हाईवे. ओके, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग होर्डिंग्स या माइलस्टोन बोल दीजिए, औरंगाबाद 245, अजंता एलोरा, अजंता केव्स 359. हम लोग नहीं जा रहे अजंता, लेकिन वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पॉट है अगर आप महाराष्ट्र विजिट करते हो तो. और ये जो रोड क्वालिटी ये काफ़ी अच्छा है, थ्रू आउट काफ़ी अच्छा है. आई होप औरंगाबाद तक ऐसे ही रहेगा और वहाँ से जो नासिक का रास्ता है वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए. ऑल राइट, सो फर्स्ट ब्रेक सुबह से निकलने के बाद से, और अब बज रहा है 5 और हो चुके 500 किलोमीटर. तो पीछे गाड़ी खड़ी है और अच्छा सा लोकेशन देखा, एक बायो ब्रेक लेना था तो बस हो गया. और फिर से निकलते हैं बैक टूवर्ड्स नासिक. So we are about 328 kilometers away from Nasik और घर से निकल के 403 kilometers हो चुके हैं. एक थोड़ा अच्छा सा ये spot मुझे दिखा, साइड से थोड़े पहाड़ हैं जिसके बीच में से कट के रास्ता गया हुआ है. वैसे तो सब कुछ brown है महाराष्ट्र में, because this is January and obviously it's gonna be brown. यही चीज़ जब आप मानसून में आते हो बिल्कुल lush green मिलता है और बहुत सुंदर हो जाता है. Okay, तो left में चला गया औरंगाबाद city और हम लोग बाईपास लेते हुए निकल जाएंगे बाहर बाहर से. ऐसा कुछ सेटअप है और टाइम हो रहा है 6:07 एंड द स्ट्रीट लाइट्स आर ऑन. इट्स द सनसेट हैज ऑलरेडी हैपेंड बेसिकली एंड इट्स स्लोली गेटिंग डार्कर. रोड कंडीशंस आर प्रीटी नाइस ओवरऑल और जो ETA है दैट्स अबाउट 9:48 PM. ओके, सो रास्ता जो है वो लेफ्ट के तरफ घूम जाएगा विच इज़ टूवर्ड्स नासिक. स्ट्रेट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये कहाँ जा रहा है रास्ता. दिखा तो धुलेर लिख रखा है यहाँ पे. सो विल टेक द लेफ्ट एग्जिट विच इज़ मुंबई एंड नागपुर वाया एक्सप्रेस वे. इट सेज आई गेस दिस इज़ द समृद्धि एक्सप्रेस वे बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर. पता चल जाएगा आगे चल के. যদি 9টা অ্যাকচুয়ালি বাজে, অ্যাকচুয়ালি তারা হচ্ছে নিজের ঘড়িতে 8টা বাজি রাখে নাকি. দিস ইজ वेलकम. ओके, इट सेज वाया एक्सप्रेसवे लेफ्ट नागपुर है और स्ट्रेट मुंबई जा रहा है. सो ये रास्ता घूमने वाला है, यहां पे दिख रहा है मुझे जलेबी बनने वाली है. विल टेक गुड लेफ्ट कर्व एंड मूव टुवर्ड्स मुंबई. So Nasik is towards Mumbai अगर देखा जाए तो geographically. Okay, the map says the name of this expressway is Hindu Hruday Samrat something highway. Okay, and it is brilliant piece of engineering. Zabardast road hai. And the sun is now almost completely set and it's completely dark. Little bit of daylight is still there. The hues in the sky. और बस बच गए हैं 157 किलोमीटर्स टू नासिक. जल्दी से पहुँचते हैं. ETA is now 9:37 PM. You know what's fascinating? I'm doing almost 120 km/h and I'm still not over speeding. 120 km/h is the speed limit on this highway. Crazy it is. So guys, ये जो हिंदू हृदय सम्राट
वाला जो हाईवे है वही समृद्धि एक्सप्रेसवे है या समृद्धि महामार्ग है. सुपर्ब एक्सपीरियंस. आई रियली वांटेड टू ड्राइव ऑन दिस हाईवे और इस बार ये हो गया. और बहुत ही बढ़िया रास्ता है वैसे तो. 14 किलोमीटर्स में ही एग्जिट करने बोल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे रास्ते होंगे. बट रियली लव द एक्सपीरियंस ऑफ समृद्धि महामार्ग. ब्रिलियंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग. ऑलराइट, सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू लीव द समृद्धि महामार्ग. ये दिखा रहा है नीचे उतरने वाला जो एग्जिट है 1.7 किलोमीटर्स पे है. एंड इट इज डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स वैजापुर गंगापुर रोड. तो कोई आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में, बट ठीक है. अब जो इतना अच्छा रोड था इसको आपको छोड़ के नीचे उतरना पड़ेगा. यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पे एग्जिट नंबर 19 वैजापुर जंबर गाँव. पता नहीं कितने रुपये का टोल कटा है, पता चलेगा फास्टैग स्कैन होने के बाद. And overall, a brilliant experience again. I always wanted to drive on the Samruddhi Mahamarg. We have all read about it, maybe watched some videos on it, but driving on it for the first time is a great experience in itself. हार्डली 16 किलोमीटर्स रह गए हैं टू नासिक और मैं सीधा जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के घर निश्चय. उनसे मैं पहले एक बार मिलवा चुका हूँ आप सबको. सो वील हैव डिनर ओवर देयर एंड देन वील गो एंड चेक इन फॉर द नाइट. कल सुबह हमें निकलना है गिर नेशनल फॉरेस्ट के लिए. सो आज की जर्नी नासिक में ख़त्म करेंगे. लास्ट के 15 किलोमीटर बचे हैं बस अब. ओके जी, तो हो गए चेक इन होटल में. रात के बज रहे हैं 1 और निश्चय से मिल लिया, खाना वाना खा लिया, काफ़ी सारी बातें भी कर ली. सो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं. कल निकलना है टुवर्ड्स गिर नेशनल पार्क. तो कल की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए गुड नाइट. सी यू गाइस अगेन टुमारो.